हेलो स्टूडेंट, आई एम प्रोफेसर आबिद उमर फ्रॉम ग्रिप इंस्टीट्यूट मुल्तान। आज जो है बेटा वो हम ग्रैंड टू जो है हमारा एफएलपी है उसकी डिस्कशन करने जा रहे हैं। मेरा पहला एमसीक्यूज है द टर्नओवर ऑफ साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली ओल्ड वंस बीइंग रिप्लेस्ड बाय द न्यू वन इज डन। देखे बेटा ये जो लाइसोसोम होता है ना, लाइसोसोम ये रिपेयरमेंट में भी मदद करता है, जो पुरानी ऑर्गेनेलीज जो रप्चर्ड हो जाती है ना, या ये उनकी ऑटोफेगी कर देता है अगर रिपेयरमेंट नहीं होती। तो ये जो सारी बातें कही जा रही हैं ये बेसिकली हमारी लाइसोसोम का फंक्शन होते हैं। अ ग्रुप ऑफ राइबोसोम्स अटैच टू एमआरएनए, आप देख सकते हो ये एमआरएनए है, एमआरएनए, और ये एक से ज्यादा राइबोसोम अटैच है। मैंने आपको बताया था कि इसको पोलीसोम या पोली राइबोसोम कहा जाता है। ये क्यों होता है, जब एक ही तरह की पॉलीपेप्टाइड एक से ज्यादा तादाद में आपको चाहिए होती है तो एक सिंगल एमआरएनए के ऊपर जितनी तादाद में आपको पॉलीपेप्टाइड चाहिए उतने राइबोसोम अटैच हो जाते हैं। से आपको एक ही तरह की तीन पॉलीपेप्टाइड चाहिए तो एक एमआरएनए के ऊपर तीन राइबोसोम अटैच हो जाएंगे। ये चार हो रहे हैं तो ये सेम फोर सेम पॉलीपेप्टाइड पैदा करेंगे, क्योंकि जिस एमआरएनए से बनाई जा रही है वो तो एक ही है। तो बहरहाल हमारा इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा बीटा। Which of the following eukaryotic component contains its own 70S ribosome? देखिए 70S ribosome पाया जाता है prokaryotes के अंदर। तो यहां 102 लिखा हुआ है, यानी mitochondria और chloroplast के अंदर जो ribosome होता है वो prokaryotic origin का होता है, prokaryotic origin का होता है 70S का। इनका DNA भी prokaryotic origin का, बाकियों का नहीं है। Which of the following is non-cytoplasmic, non-membranous? हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इसका न्यूक्लियोलस जवाब आएगा। All of the following are found in cell membrane except, देखो बेटा सेल मेम्ब्रेन में न्यूक्लिक एसिड डीएनए नहीं होता, बाकी पार्ट पाए जाते हैं। ऑटोफिगोसोम्स जो है वो सेकेंडरी लाइसोसोम का नाम है, ठीक है ना। ऑटोफिगोसोम क्या होगा कि ये जो फूड वैक्यूल आया ना, फूड वैक्यूल ये फैगोसाइटोसिस की मदद से अंदर एंटर हुआ, ये फूड वैक्यूल। जब ये फूड वैक्यूल इस लाइसोसोम के साथ अटैच हो जाएगा, ये वाला जो हिस्सा बना This will call the autophagosome, या इस हिस्से को भी autophagosome बोलोगे जिसमें किसी particular organelle के साथ जो है ये attach हो गया, ये autophagosome है। जब primary lysosome ऐसे किसी part के साथ attach हो जाता है तो इसी को तो आप secondary lysosome का नाम देते हो, secondary lysosome। तो अब आपके लिए easy है, answer बनेगा बीटा। Which property of water make it more suitable for the transport of material? देखो बेटा transport of material में उसकी solvent चीजों को अपने अंदर solve कर ले, dissolve कर ले, चीजें easily move कर जाती हैं। These are the bioelements found in carbohydrate. Carbohydrate में carbon भी होता है, hydrogen भी होता है और oxygen भी होता है। An amino acid with R group in methyl group, वो alanine होगा, जिसमें आप R को जो है बेटा वो methyl से replace कर दें। Myosin एक fibrous protein है, ये बेटा वहां पे example भी given है। All of the following fatty acid except aspartic acid जो होता है ना ये नहीं है, बाकी सारे fatty acid है। फिर ये diagram part of the carbohydrate ये आपको एक दिखाई दे रहा है और इसके अंदर आपसे पूछा जा रहा है कि if all the 1,4 glycosidic molecule are hydrolyzed then how many water molecule will be used and how many separate the glucose molecule will be produced। देखो बेटा अगर आप इसका ना ये 1,4 ये है 1,4 1,4, तो अगर आप इसके दो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड तोड़ देंगे तो आपको नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल जो हैं वो दो यूज करने पड़ेंगे, फिर ये हाइड्रोलाइसिस होगी ना, तो दो वाटर मॉलिक्यूल कम से कम आपको चाहिए। और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रोड्यूस, और अगर आपने इसको दोबारा बनाना है तो दोबारा बनाने के लिए फिर दो वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होंगे जिसको आप कंडेंसेशन का नाम दोगे। तो दो ही चाहिए तोड़ने के लिए और दो ही जब ये बनेंगे यूज होंगे, तो आंसर हमारा बनेगा बीटा। मतलब हाइड्रोलाइसिस के लिए भी टू चाहिए और कंडेंसेशन में भी दो रिलीज होंगे। यूरिया प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द लास्ट स्टेप ऑफ यूरिया साइकिल इन द लीवर बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम, वहां पर जो है बेटा वो यूरियाज काम करता है जो 9.7 पीएच पर वर्क करता है। रिवर्सिबल नॉन कॉम्पिटेटिव इनिबिटर, अब मैंने आपको बताया था कि नॉन कॉम्पिटेटिव इनिबिटर अदर देन एक्टिव साइड के ऊपर अटैच होता है, ठीक है ना। ये देखें, ये आपको एलेस्टेरिक साइड दिखाई भी दे रही है, अब देख रहे हो ना एलेस्टेरिक, ये अदर देन एक्टिव साइट होता है रीजन,
ठीक है ना, जिससे ये जेनुअन सबस्ट्रेट जेनुअन एक्टिव साइड की शेप बदल देता है, तो इसको एलेस्टेरिक साइड कहते हैं। ग्लाइकोलाइसिस लिटरली मीन द स्प्लिटिंग ऑफ ग्लूकोज, द टू एडिनोसिन डाइफॉस्फेट मॉलिक्यूल आर प्रोड्यूस इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन ड्यूरिंग टू, जो है बेटा ये प्रोड्यूस होते हैं ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस। क्रैब साइकिल डज नॉट इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ, देखें बेटा क्रैब साइकिल में NADPH नहीं बनता, क्योंकि NADPH जो है ये बनता है फोटोफॉस्फोरिलेशन में, फोटोफॉस्फोराइलेशन में, या आप इसको बोलें कि ये लाइट रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस का, यहां पर बनेगा ये, ठीक हो गया। तो हमारा आंसर बनेगा बीटा, इन द लाइट गैदरिंग पार्ट ऑफ द फोटो सिस्टम। लाइट गैदरिंग पार्ट जो होता है वो एंटीना कॉम्प्लेक्स होता है, जो रिएक्शन जो तमाम के तमाम एसेसरी पिगमेंट, एंटीना कॉम्प्लेक्स एसेसरी पिगमेंट पर मुश्तमिल होता है, प्लस इसमें क्लोरोफिल ए भी होता है, क्योंकि क्लोरोफिल ए खुद भी अपने हिस्से की लाइट एब्जॉर्ब करता है। आंसर बनेगा चार्ली। पिक अप द ऑप्शन दैट डज नॉट कंटेन आइसोमर, देखो बेटा सक्सिनेट और मलेट ये आइसोमर नहीं है, ये एक दूसरे, ये जो है ना ये तो इसका इनहिबिटर है, ये इसका इनहिबिटर है, ठीक है ना, ये एंजाइम का इनहिबिटर है, लेकिन ये सबस्ट्रेट होता है, बाकी सही है आइसोमर है। हाउ मेनी टाइम द ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन अकर इन क्रैब साइकिल, हम डिस्कस कर चुके हैं पहले, दो जगहों पर ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होती है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना और ऑक्सीडेशन का होना, एक जब आइसोसिट्रेट अल्फा कीटो बनाती है, ये देखो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है डीकार्बोक्सिलेशन है, और अल्फा कीटो जब सक्सिनाइल कोए बनाएगी तो ये ऑक्सीडेशन हो रही है और ये कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना डीकार्बोक्सिलेशन है, तो टू आएगा आंसर। ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ HIV आर प्रेजेंट इनसाइड द प्रोटीन कैप्सिड एक्सेप्ट, क्योंकि जो स्पाइक्स होती है ना स्पाइक्स, ये बेसिकली जो है वो एनवेलप के ऊपर पाई जाती है, ये बाहर होती है। अनस्टरलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट आर स्प्रेड ऑफ एड्स, पोक्स वायरस कास, देखो बेटा पोक्स वायरस जो होता है ये एक जो है ये स्मॉल पोक्स करता है और ये DNA इनवेलप्ड होता है। एन इनवेलप्ड वायरस हैज, देखो बेटा इनवेलप्ड वायरस के पास एक मसला ये होता है कि इसमें लिपोप्रोटीन इनवेलप खुद लिपोप्रोटीन की बनी है, और देखे ना आप इसके ऊपर ये आपको दिखाई दे रही है, ये इनवेलप इसने लेबल भी की है, और ये उसकी स्पाइक्स हैं जो अभी हम बात कर रहे थे ना स्पाइक्स, ये बेसिकली होस्ट के रिसेप्टर के साथ अटैच होने में मदद करती हैं, ये कोरोना वायरस है। टू विच द ग्रुप द आर्थ्रोपोडा बिलोंग, आर्थ्रोपोडा प्रोटोस्ट्रोमिया से ताल्लुक रखे हैं। टू विच इज नॉट अ बैसिलस, हाइफोमाइक्रोबियम जो इतना बड़ी कॉमन एग्जाम्पल है, ये स्पाइरल होती है। इन बैक्टीरिया स्मॉल सर्कल ऑफ DNA फाउंड आउटसाइड द मेन क्रोमोसोम, इसका वो मेन DNA होता है, फाउंड आउटसाइड द मेन क्रोमोसोम, वो बेसिकली प्लास्मिड होता है, देखो ना ये अगर आप बैक्टीरिया को देखते हो ना यूं, तो ये ऐसे ये इसका मेन DNA है, आप जानते कि ये होता है सर्कुलर बट इरेगुलर। अच्छा यहां पर एक एक्स्ट्रा DNA पाया जाता है, इसको अब नाम देते हो प्लास्मिड का, ये भी सर्कुलर होता है और रेगुलर सर्कुलर होता है, ठीक है ना, ऐसे रैंडम नहीं होता, तो आंसर बहरहाल बनेगा इसका अल्फा। क्लोस्ट्रम जो होता है जो फर्स्ट मिल्क होता है ना जो माँ पैदा करती है, या जो मैमल्स पैदा करते हैं उसको क्लोस्ट्रम कहते हैं, ये पैसिव इम्यूनिटी देता है नेचुरल। ह्यूमरल इम्यूनिटी ऑपरेट वाया बी लिम्फोसाइट के थ्रू ऑपरेट होता है, बी लिम्फोसाइट्स प्लाज्मा सेल बनाते हैं, प्लाज्मा सेल एंटीबॉडी बनाती है। विच स्ट्रक्चर मेक द बी लिम्फोसाइट इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट, देखो बेटा बी सेल्स जो हैं ये बोन मैरो में इंसानों में बनते हैं, बर्ड्स में ये बनेंगे बर्ड्स ऑफ फैब्रिकस के अंदर। When closed, the left atrioventricular wall provides the backward flow. देखो बेटा left जो atrioventricular wall है वो होता है bicuspid, और वो जो है वो वापस ब्लड जाने नहीं देगा left atrium में। The femoral and the iliac artery. देखो बेटा iliac artery ना ये आपको दिखाई दे रही है iliac artery, vein और इसी तरह artery भी होती है, ये आपको दिखाई दे रही है iliac artery। ये आगे bifurcate करती है और femoral artery में बदल जाती है legs के अंदर, legs के अंदर, और ये होती है pelvic part में, ठीक है ना, तो हमारा आंसर जो है वो बनेगा लेग्स चार्ली। इंफीरियर वेना केवा ब्रिंग द ब्लड फ्रॉम द लोअर रीजन ऑफ द बॉडी एंड एम्प्टीज इनटू द राइट एटीएम, यहां डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड पाया जाता है।